हल्द्वानी की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूरे देश में पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा सीटें लेकर आएगी और उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी 500 सीटें जीतेगी। वहीं कमीशन खोरी वाले बयान पर तीरथ सिंह रावत पलटते हुए दिखाई दिए। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वह पुरानी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कहा गया था कि बिना कमीशन खोरी के काम नहीं होते, लेकिन वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं था। वर्तमान में उनकी सरकार बेहतर कार्य कर रही है और प्रदेश में तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से यहाँ के पर्यटन और तीर्थाटन में बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा असर यहाँ के स्वरोजगार और रोजगार करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करेगा, जिससे कि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।2024 को हम पूरी तरह यहाँ की तो पांचों सीटें फतेह करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा देश के अंदर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं आम जन के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह कर दिखलाया। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के घर घरों में राशन पहुंचा, आज भी पहुंच रहा है। आत्मनिर्भर भारत से सब लोगों को, नौजवानों को जोड़ने का जो काम किया है, सड़कें ऐसी बनी है कि आज लोग याद कर रहे हैं, और बहुत ऐसे काम। और साथ ही धार्मिक की भी मैंने कहा, आस्था के प्रति यदि देखें तो कल आने वाला समय इस और भी यात्रा आएगी, नौजवान रोजगार पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की अब बढ़ेगी। ऐसा मोदी जी का जो काम दिखता है, उसी विकास के कार्यों के आधार पे हम फिर पुनः परचम लहराएंगे। 24 में फिर मोदी जी आएंगे।